तो आज हम देखते हैं कुछ एक ब्रेन एक्सरसाइजेस जो बाय सिटिंग हम लोग एक ही प्लेस पे अपने हैंड्स के थ्रू कर सकते हैं विद आवर किड्स। दिखने में ये बहुत सिंपल है बट करने में थोड़ा मेहनत लगता है। तो लेट अस हैव अ लुक। वन एक्सरसाइज नंबर टू, इंडेक्स फिंगर लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर लिटिल फिंगर, लिटिल फिंगर इंडेक्स फिंगर। दिस इज एक्सरसाइज नंबर थ्री। नाउ एक्सरसाइज नंबर फोर। टू वन ट्वेंटी वन, वन टू ट्वेल्व, टू वन ट्वेंटी वन, वन टू ट्वेल्व, टू वन ट्वेंटी वन, वन टू ट्वेल्व, टू वन ट्वेंटी वन, वन टू ट्वेल्व। सेम वे द एक्सरसाइज नंबर फाइव। थ्री टू थर्टी टू, टू थ्री ट्वेंटी थ्री, थ्री टू थर्टी टू, टू थ्री ट्वेंटी थ्री, थ्री टू थर्टी टू, टू थ्री ट्वेंटी थ्री। सो दीज आर फाइव एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे क्रॉस योर फिंगर्स। इन इस तरह से हमें ऑल्टरनेटली उसको क्लोज करना है, क्रॉस करना है हमारी फिंगर्स को। देन वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो आप लोगों ने ये देखी कुछ एक ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस। इन एक्सरसाइजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस। दीज आर वेरी इजी एक्सरसाइजेस, दिखने में इजी हैं बट करने में बहुत ब्रेन यूज होता है बिकॉज बोथ हैंड का कोऑर्डिनेशन चाहिए। जैसे हम लोग टंग ट्विस्टर करते हैं वैसे ही ये भी हैंड ट्विस्टर्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो ही जाती है कितना भी हम ट्राई करें। तो इन एक्सरसाइजेस से होता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे कि जैसे हमारे सभी को पता है कि ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो लॉजिकल होता है एंड जो राइट ब्रेन होता है वो एक्सप्रेसिव क्रिएटिव होता है। तो अगर हम बात करें तो जो ब्रेन एक्टिवेट करना, दोनों ब्रेन्स को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन है वन साइड गेट एक्टिवेटेड और दूसरी साइड एक्टिव नहीं होती है, जिसकी वजह से हम लोगों का जो कॉग्निटिव लेवल है वो इतना इम्प्रूव नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ इश्यूज रह जाते हैं, हम लोग फुल पोटेंशियल पे हमारे ब्रेन को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इन दोनों ब्रेन्स का, लेफ्ट और राइट ब्रेन का प्रॉपर एक्टिव होना एक साथ बहुत ज़रूरी है। तो दोनों साइड के, लेफ्ट एंड राइट साइड के ब्रेन को एक्टिव करने के लिए ही ये एक्सरसाइजेस हैं। अगर आप रूटीन में इसको प्रैक्टिस करते हैं, दीज आर सेवन एट सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस। अगर आप दो या चार या पांच, इट टेक हार्डली मतलब टू थ्री मिनट्स एक बार में आप करते हैं तो इसको, तो आपके दोनों साइड के ब्रेन एक्टिवेट हो जाते हैं एंड यू रीच योर फुल पोटेंशियल। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है फॉर अ चाइल्ड ऑल्सो, फॉर एन अडल्ट ऑल्सो। तो अगर आप ये करते हैं तो आपके दोनों साइड के ब्रेन एक्टिव रहते हैं। ये थे सिटिंग पोज में विद हैंड मूवमेंट्स। और बहुत सारी ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें फुल बॉडी इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो इन फ्यूचर हम उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आई होप आपको आज की ये एक्सरसाइजेस, ब्रेन जिम एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच।